ये नांगर, तो अभी ये नांगर बनना स्टार्ट हो गया है, तो अभी खेती वेती होगा बकायदा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आप लोगों का स्वागत है, और फाइनली गाइस हम लोग घर पहुंच गए। तो हमारा घर देख सकते हो, घर से पहले देखिए बाड़ी, और काश्मीर हो रही है सुबह जो पह रहा है चूड़ा उसके लिए। अरे निकाल दिया क्या चूड़ा जी? तो उसका चूड़ा निकाल दिया, वो खाली पानी में जा रहा है, नल में ही जा रहा है। सुबह कल जब से आया ना तब से ये साबुन को पकड़ रहा है, क्या कर रहा है, और ये रोते ही जा रही है। इसका काशवी का सहेली क्या नाम है, तानिया, साबुन को पकड़ के घूम रहे थे, इसको ऊपर करते हैं हाथ धोने के लिए। चल छोड़ देख, चल हाथ धो उसमें, चलो हाथ धो। अरे ओहो हाथ धोने के लिए बोला था, इसके सर में गया पानी। हाँ हाथ धो, हाथ धो जल्दी। हाँ चलो चलो, पानी पीने का प्रयास कर रहे हैं। इसको पानी दे दो जी गिलास में। अरे बाबू बैठ कर दाढ़ी बना रहे हैं, हट जाओ। हाँ अधर बृहस्पति आग वाग जला के सब्जी बनाने वाली है। क्या सब्जी है? लौकी और मसूर। तो गाइस कल रात में 3 बजे सोया मैं, अब बहुत दिनों बाद गांव आया, एक दोस्त मिल गया था फिरन, रात के 3 बजे। इसकी वजह से मेरे आंखों को देख सकते हो कैसा दिखाई दे रहा है। तो अभी अपन लोग घूमेंगे अपना गांव, तो अभी मैं और आलोक चाचा घूमते हैं हमारे गांव। तो गाइस ये देख सकते हो हमारा गांव का हाल, अभी जो गर्मी आया था इसके वजह से ऐसा है पूरा सूना सूना। तो अभी चलते हैं हमारा गाँव घूमते हैं, बहुत दिन हो गया नहीं घूमे हैं, तकरीबन 4-5 महीना, और आगे में शादी हो रहा है उसका भी झलक दिखा देते हैं। तो ये आ गया लोग चाचा, तो अभी चलते हैं घूमने के लिए। तो बस ये रहा दुकान हमारे इंडिया का, और बच्चे लोग इधर खेल रहे हैं गोटी बांटी, तो उसको कंचा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ बांटी बोलते हैं, कहीं गोटी बोल देते हैं। तो रास्ते में पानी भरा हुआ है, तो देख सकते हो हमारा इंडिया का गांव में पानी भरा हुआ है। और ये रहा ट्रैक्टर, और ये रहा दूसरा मोहल्ला, तो उधर बैल वैल बंधा हुआ है मस्त। तो अभी पहुंच गए हैं बाजार चौक में, तो ये रहा यहाँ पर जो कि ये है बाजार, बैठा था कल, बैठे थे लेकिन मैं नहीं आया था, वजह यह था क्योंकि थका हारा हुआ था इसके वजह से। और देख सकते हो गाइस हमारे चिस्दा गाँव का रोड ऐसा है, तो इंडिया का गांव का रोड ऐसा है जो कि एकदम से अभी सुना है सुबह सुबह। तो मैं और आलोक चाचा बोले कि चलो घूमने के लिए चलते हैं यहाँ पर। देख सुने कि नया पानी टंकी बना है, जो कि तकरीबन 2 साल हो गया था बनते बनते, 20 साल हुआ है रेडी, तो रेडी बस हुआ है लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी पानी वानी। तो ये देख सकते हो गाइस बाँ बाँ गाड़ी चल रहा है रोड पर, और बच्चे लोग यहाँ पर कंचा खेल रहे हैं, और इधर अभी खेती के लिए ये तैयार हो रहा है ये नांगर। तो अभी ये नांगर बनना स्टार्ट हो गया है, तो अभी खेती वेती होगा बकायदा। हमारे गांव का बोर्ड जो कि ऐसा सीधा था लेकिन गाड़ी ठोक ठोक के इसको टेढ़ा कर दिया है। हमारे गांव का तालाब, और ये रहा कंडा, तो कि ऐसा थोपाई हुआ है देख सकते हो। ये रहा पानी टंकी जो कि अपन लोग घूमते घूमते आ गए, अब इसके ऊपर में चढ़ के हमारा गाँव देखेंगे जो कि कैसा दिखाई दे रहा है। और ये देख सकते हो पीपल को, जो कि मस्त से हरा हरा पत्ता भी बाहर निकला है, नया नया ताज़ा ताज़ा। अरे अरे है एक और तालाब, उस तालाब के बगल में एक और तालाब, इसको बताया नहीं था ना, दिखाया नहीं था, गौर नहीं किया। इसके उस पर और तालाब है, और थोड़ा आगे जाने पर एक और तालाब है, मतलब यहाँ तालाब ही तालाब है, इसलिए यहाँ इतना ज़्यादा तालाब है क्योंकि जो बरसात का पानी यहाँ ज़मीन में इकट्ठा है और लोगों को सप्लाई हो। ये रहा वाह, जो कि 2 सालों में बनकर तैयार हुआ है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है, और जब बारिश आएगा तो नीचे दब जाएगा, फिर इसमें चढ़ते नहीं बनेगा। वाह चाचा तुम तो मस्त चढ़े हो यार। ये रहा सीढ़ी जो कि एकदम क्लीन नहीं बना है, बस ऐसे बना कर रख दिया, इसमें प्लास्टर नहीं हुआ है, ऊपर से सीमेंट नहीं डाले हैं। तो देख सकते हो गाइस तकरीबन अपन लोग 15 फुट के ऊपर चढ़ गए हैं। हाँ बोलो चाचा, और आए थे तुम, कैसा था सीन? तो यहाँ से देख सकते हो तालाब मस्त दिखाई दे रहा है,
और इधर सड़क दिखाई दे रहा है और खेत, तो ऊपर में जाकर और देखते हैं। तो संभाल कर चढ़ते हैं भैया, बहुत दिनों बाद इतना ऊपर चढ़ रहे हैं वरना। हाँ, तो लोग यहाँ पर बता रहे चाचा जी यहाँ आकर समोसा वमोसा खाते हैं और बगल में मिलता है जुंद्रा में ड्रिंक, वो लेकर आते हैं यहाँ पर बैठ कर पीते हैं। तो गैस अलग अलग सोच है, अगर ज़्यादा हो गया नशा तो यहाँ से गिर जाएंगे, इससे अच्छा पीना है तो नीचे में चुप्पे से बैठें और सही सलामत घर जाएं, मेरा मानना है और मेरा कहना है। और देख सकते हो गैस सड़क के किनारे करने मस्त पेड़ लगा हुआ है और जैसे खेत का बुआई होगा तो मस्त से हरा हरा दिखेगा। तो अभी खेत बुआने के बाद फिर आएंगे यहाँ पर, देखेंगे नज़ारा। तो ऐसे दिखाई दे रहा है जो कि बहुत बड़ा तालाब है, बताया था एक और तालाब है, वो देखो उस साइड में और एक तालाब उस साइड है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी पूरा चढ़े नहीं है और हमारे चाचा जी थक कर बैठ गए हैं, तो अभी चलते हैं और ऊपर। तो गाइस थकावट तो लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा पास में है, यहाँ पर से झुक कर जाना पड़ रहा है। तो फाइनली ऊपर पहुँचने ही वाले हैं। वाह, तो फाइनली चढ़ गए और ये रहा यहाँ का सीन। एक और पानी टंकी है जो कि वो है ना चाचा, वो दिखाई दे रहा है, वो वाइट वाइट वही है ना। हाँ एक वो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है छोटा ली, लेकिन इसमें क्लियर दिख रहा है कि नहीं अभी पता नहीं, क्योंकि अभी उजाला है तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मैं वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। तो वो दिखाई दे रहा है सीधा में, वो है एक पानी टंकी। तो हमारे यहाँ दो पानी टंकी और दो स्कूल है, तो स्कूल फिर कभी घूमने के लिए जाएंगे। चलो चलो, नहीं नहीं घूमते हैं पहले, दिखाते हैं व्यू। अभी चाचा जी आए हैं, वो बोल रहे कौन निपटा दिया, मतलब ये जो तड़ी चालक है इसको कोई तोड़ कर ले गया। भाई गलत करते हैं लोग। और हाँ वो कहाँ का भट्टा है चाचा? हाँ तो भट्टा दिखाते हैं, यहाँ से भट्टा दिखाई दे रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ से हमारा गांव का दूसरा साइड दिखाई दे रहा है, वरना उस साइड दिखाई देता था, और अब यहाँ से वो दिखाई दे रहा है सफ़ेद सफ़ेद, जो जूम करके दिखाते हैं। वो रहा गाइस जो कि वाइट वाइट दिखाई दे रहा है। तो ये भिलौनी गांव का भट्टा है जो कि ये रहा, जो कि हम अपन लोग कल आए हैं, तो ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ से। तभी इसके ऊपर चढ़ते हैं, एक मिनट चाचा जी बताना चाहते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? ये बोल रहा है जब मैं छोटा था ना, तो ये जो जगह है यहाँ स्कूल आता था, यहाँ पास में स्कूल है, तो ये जो मैदान है पानी का जो तालाब है वो बहुत ही बड़ा दिखाई देता था। तो ये छोटा था इसकी वजह से बड़ा लगता था, बड़ा हो गया है ना तो अब छोटा लग रहा है ना। मुझे भी लगता था बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा मुझे भी लगता था, जो कि मेरे चाचा जी को भी लगते हैं। तो गाइस ये रहा हमारे गांव चिज़दा गांव, इंडिया का एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा छोटा मोटा गांव, जो कि हालांकि है छोटा, तो देख सकते हो ऐसे करके बसा हुआ है। और ये रहा सीन, तो मुझे संभल कर दिखाना पड़ रहा है। और यहाँ पर बन गया है, इसको बोलते हैं घुरुआ, हमारे यहाँ घुरुआ यानी जो कचरा फेंकते हैं वो है, तो इसको घुरुआ बोल देते हैं। घरों से निकलता है ना, जैसे गैया का जो जैसे पैर है, पैरा हो गया और कुछ भूसा ऊँसा हो गया, उन लोगों का गोबर हो गया, वो निकलता है, उसको इसी गड्ढे में डालते हैं, फिर सड़ने के बाद खेतों में डालते हैं। तो यहाँ पर बनता है घुरुआ, घुरुआ बन जाए कचरा तो ये खेतों में डालते हैं। अभी बता रहे थे मेरे लोग चाचा कुछ देर पहले आते आते कि ये वही काम करता था कि घुरुआ से कचरा निकाल के खेतों में डालते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो गाइस बहुत अच्छा लगता है गांव में रहना, रिलैक्स पन मिल रहा है यहाँ पे, तो देख सकते हो। तो ये रहा हमारा गांव, प्यारा सा गांव चिज़दा इंडिया के अंदर में है। और गाइस ये जो पैर है एकदम मस्त से खींच कर रखे हैं, एकदम मस्त बराबर खींच कर रखे हुए लोग। और ये रहा बाड़ी। तो गाइस यहाँ पर अभी लग रहा है धूप, तो अभी चलते हैं नीचे, यहाँ का घूम लिए मस्त, चाचा तो आकर बैठ गए, थक गए ऊपर चढ़ते चढ़ते, तो अभी चलते हैं नीचे और चलते हैं छांव में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप लग रहा है। लोगों का कहना है कि अंदर भी चले, मतलब देखते हुए लगा कि अंदर चले जाओ, तो अभी जाकर अंदर देखते हैं। आओ चाचा अंदर चलें, चलो चलते हैं। तो लोग चाचा की माँ देखेगी तो मुझको चिल्लाएगी कि कहाँ कहाँ ले जाते हो बच्चे को ऐसे करके। तो मैं तो अंदर नहीं जा रहा था, मुझे लगा जाना चाहिए इसलिए अंदर आ गया। और यहाँ पर आवाज़ जो है मस्त से गूंज रहा है, और ये रहा ऊपर का सीन। और लोग चाचा इस
इसके अंदर आवाज गूंज रहा है, मस्त लग रहा है। तो इसके ऊपर में खड़े हैं, मतलब ये ऊपर है और किनारे किनारे पूरा गड्ढा है। चले चाचा ऊपर, अब चलो जल्दी चलो। तो अभी ऐसा है अंदर में और ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। और ये आ गए बाहर, तो अंदर में तो आवाज़ गूंज रहा है। तो अभी चलते हैं नीचे, तो यहाँ करने को देख सकते हो कैसा है। ठीक है, लगा दो लगा दो, चाचा बोल रहे इसको लगा दो। लगा दूँ तो वालो लगा दो। तो ये किनारे से टूट गया, मतलब इतना नवा है फिर भी इतना जल्दी, मतलब इसका कहीं कहीं का पार्ट्स जो है ख़राब हो जा रहा है। तो अभी चलते हैं नीचे, देखो कहाँ संभल के ना, यहाँ पर मैं सोच रहा था एक और है पकड़ने वाला। तो अभी चलते हैं नीचे। गाइस चढ़ने के वक्त तो मुझे डर नहीं लगा, लेकिन उतरते वक्त मुझे डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट है वो सही से नहीं है, और ये भी जो लगा है वो कमज़ोर लग रहा है। हालांकि स्ट्रांग है अभी फ़िलहाल, तो मैं तो यहाँ दोबारा हो सकता है बाई चांस आऊँ। जब ये खेत हरा भरा हो जाएगा तब आऊँगा, हरा भरा होगा तभी आऊँगा, अभी ऐसे नहीं आऊँगा। संभल के आना चाचा, लग रहा है डर वहाँ से? हाँ वहाँ पर डर लग रहा है गाइस, मुझे भी लगा। तो ये रहा हमारे गांव का छोटा सा व्यू और पानी टंकी जो कि अभी भी नया बना है। तो अभी थंबनेल के लिए फ़ोटो खिंचाते हैं। और फाइनली नीचे पहुंच गए हम लोग, फिर आगे छाँव में, तो अभी बैठते हैं कुछ देर, क्योंकि वहां पे धूप लग रहा था। और यहां पर मस्त छाँव है, ये रहा छोटा सा पीपल का पेड़ जो कि ऐसा छोटा है मस्त है। तो इसके नीचे बैठे हैं, और ये बड़ा पीपल, एक और बड़ा पीपल देख सकते हो, दो पीपल यहाँ पर आ रहा है। तो बैठे बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पर, वाह सुकून। लेकिन हवा नहीं चल रहा है गाइस, बैठने पर सुकून लगा, कम से कम छाँव में बैठे हैं। और गाइस यहाँ पर बैठे हैं बहुत ही ज़्यादा खतरे में बैठे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा चांटा है जो कि बड़ा बड़ा है, अगर पा गया ना तो 1 किलो गोश्त निकाल लेगा हमारे शरीर से, इतना बड़ा बड़ा है। और ये रहा इसके अंदर मधुमक्खी का छत्ता जो कि छोटा वाला है यहाँ पे। तो गाइस थोड़ा सा कुछ किए यहाँ पे फूके बस, तो देख सकते हो कितना सारा बाहर निकल रहा है। अरे बाप रे, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग सतर्क हैं कि कोई आए ना तो ऐसे काटेंगे कि क्या ही कहें। और देख सकते हो गाइस मस्त किनारे किनारे कुछ लगा है, निकला हुआ है। तो ये रहा तालाब का किनारे, तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। तो अभी चलते हैं घर, चलो चाचा। तो गाइस यहाँ पर अभी भी रेडी हो रहा है, तो देख सकते हो साइड में खड़ा किए हैं मस्त से। तो मेरे ख्याल से ये जो है यहाँ पर लगने वाला है। तो ये मिस्त्री वो लोग देखे बस हैं, कुछ बोले नहीं, ऐसे करके तुम लोगों को साथ थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि ये वीडियो बनाता है करके, इसके वजह से कुछ नहीं बोले। तो रोड में बहुत ही ज़्यादा गाड़ी चलता है हमारे इस गांव में, तो ये हाईवे रोड है, हाईवे रोड लाइन, तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी चलता है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग अगल बगल देख के और थोड़ा ऐसे देख के यहाँ पे चलते हैं, मतलब रास्ता आते हैं ना रास्ते के पास, तो संभल कर देख कर आगे पीछे चलते हैं। और देख सकते हो गाइस यहाँ रोड पे गिट्टी विट्टी ऐसे छोड़े हैं घर और बनाने के लिए, और मस्त स्पेयर ट्रैक्टर वैक्टर ऐसा है। और हमारे गांव के बच्चे लोग ऐसे बैठे रहते हैं चुपचाप शांति के साथ, तो देख सकते हो। और कहीं पर कोई सेल्फी ले रहा है, तो कहीं पर कोई और कुछ कर रहा है, तो देख सकते हो। और ये रहा दुकान। और गाइस जब हम लोग गए यहाँ से तो भी लकड़ी तोड़ रहे थे, और अभी भी लकड़ी तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सजावट देख सकते हो गाइस, घर के अंदर और होगा सजावट, तो अभी नहीं जाते हैं वहाँ, तो अभी बरसात आने वाला है, तो इससे पहले रेडी कर रहे हैं। खपरा वपरा बोलते हैं हमारे यहाँ, छानी में उसको चाल रहे हैं। और ये रहा हमारा घर, तो हमारे घर में भी नंबर लगेगा, ऊपर में जो है उसको चलेंगे। और वो आ रहा है बाबू, सुब्बू, काशवी लोग घूमने के लिए गए थे, तो रोते हुए आ रहा है लड़का। ये रहा गाइस प्यारा सा छोटा सा हमारा घर मस्त। तो गाइस हमारा गाँव घूम लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा। और अभी घर में बन रहा सब्जी, तो अभी भूख लग रहा है। तो उसमें मिर्ची गिर गया था कल, जो डिब्बा में रखे थे ना वो गिर गया। और अभी सब्जी भूंज रहे हैं, ये मस्त सामान जब कल लाए थे पूरा इधर उधर बिखरा हुआ था, इसको समेट रही बृहस्पति। और गाइस ये रहा हमारा बाड़ी, और यह हमारे घर के जस्ट सामने में है टावर, तो जियो का टावर है ये। तो गाइस आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा होगा, तो यहीं एंड करते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि गांव दिखा दिए थोड़ा सा, बहुत जल्दी एंड कर रहे हो, तो ऐसा है वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है मेरा,
तो लोग तो खैर नहीं बोलते, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा 24 मिनट 25 मिनट एक घंटे का भी हो जाता है कभी कभी, तो इतना छोटा काफ़ी है। तो गाइस ऐसा है, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, उससे पहले बच्चों को दिखाते हैं। ये आ गया बाबू, इसके दीदी गायब हो गई। चल 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 चल, संभल के नहीं पकड़ता तो गिर जाता। तो सुबू आ गया। ओहो, तो गाइस व्लॉग को यही एंड करते हैं, तो जाते जाते लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।